दाल हांडी बनाने के लिए हमको चाहिए कुछ दालें। जैसे मैंने ये सारी दालें 1-1 टेबल स्पून ली हैं। मार्केट में इजीली पंचरत्न दाल के नाम से भी एक पैकेट आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं हांडी दाल बनाने के लिए। 1 टेबल स्पून मूंग धुली ये मैंने ली है, 1 टेबल स्पून लाल वाली मसूर की दाल, 1 टेबल स्पून अरहर की दाल, ये इसको तुअर दाल भी बोलते हैं, 1 टेबल स्पून उड़द की दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल, और 1 टेबल स्पून काली उड़द की दाल छिलके वाली, और 1 टेबल स्पून मूंग छिलका। इन सब दालों को मैंने अच्छे से वॉश करके और पानी में भिगो दिया है। पानी में कम से कम मैंने 15 से 20 मिनट के लिए इन दालों को भिगोया है, और चने की दाल को मैंने थोड़ा अलग से भिगो दिया है क्योंकि ये गलने में थोड़ा टाइम लेती है। दाल बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे कि गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और हींग। दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने लिया है अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट। लहसुन नहीं खाते हैं अगर आप तो स्किप कर सकते हैं। नींबू का रस, चॉप टोमेटो, चॉप्ड अनियन। फ्रेंड्स, ये दाल हांडी है तो हम इसको बनाएंगे आज अपनी हांडी में। ये बिल्कुल गैस पे कुकिंग करने के लिए सेफ है। अब मैं अपनी हांडी में अपनी दालों को ऐड कर रही हूँ जो मैंने भिगो के अच्छे से वॉश की हुई थी। अपनी हांडी में दालें ऐड करने के बाद मुझे थोड़ा सा पानी और ऐड करना है इसमें, और इसमें मैं डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है, और सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड किया है। अब चलते हैं इसको गैस पे कुकिंग करने के लिए। दाल हांडी को बनाने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है अपनी हांडी को। ये टोटल गैस मतलब सेफ है, इसको हम कुक कर सकते हैं गैस पे रख के। दाल में मैंने ऐड करा था हल्दी और नमक, थोड़ा सा 1 टीस्पून मैं इसमें देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। ये दाल के स्वाद को बहुत एनहेंस करता है। हांडी में दाल बहुत टाइम लेती है बनने में, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। कुकर में जो हम दाल बनाते हैं उससे कहीं ज्यादा हांडी में दाल का स्वाद अच्छा आता है। दाल में बॉईल आ गया है, इसी तरह से हमें अपनी दाल को, अब हम अपनी गैस को कर रहे हैं सिम, और इसी तरह से दाल को हमें धीरे धीरे पकाना है जब तक हमारी दालें अच्छे से गल ना जाएं। चाहे तो थोड़ी देर हांडी को आप कवर कर सकते हैं किसी भी प्लेट से, और गैस को एकदम मैंने सिम करा हुआ है इस टाइम। बार बार इसका जो प्लेट या जिस चीज से भी आपने ढका है हटा के उसको और दाल को चलाते रहेंगे। ये प्रोसीजर हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारी दालें अच्छे से गल ना जाएं। फ्रेंड्स, दाल हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह पकी है। इसको अभी हम 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। हम अपनी दाल हांडी के लिए बना रहे हैं तड़का। मैंने लिया है एक फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ देसी घी। आप इस दाल को टोटल बटर में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह बटर यूज़ कर सकते हैं, या दोनों को भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा। जीरा अच्छे से भुन गया है, इसमें ऐड करेंगे अनियन।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। फ्लेम को एकदम मैंने सिम किया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना चॉप टोमेटो। हींग, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें धनिया और कसूरी मेथी। फ्रेंड्स, ये पकती हुई दाल में जो हमने इसके लिए छौंक तैयार किया है टमाटर प्याज का, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर से कवर करके पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से हमारी दाल में मिक्स हो जाएं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। फिर से 5 से 7 मिनट्स के लिए हम अपनी दाल को पकाएंगे। फ्रेंड्स, दाल हमारी ऑलमोस्ट बन गई है। अब इसके लिए मैं एक तड़का और तैयार कर रही हूँ जो ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे हमें देना है अपनी दाल में। इसके लिए मैंने लिया है एक फ्राई पैन। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी। मैं डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून। फ्रेंड्स, दाल हमारी बन चुकी है। इसको हल्का हल्का मैश करते हुए हमें बनाना है ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं और दाल थोड़ा सा घुटी भी बने। इसमें मैंने ऐड कर दिया है नींबू का रस और 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब मैं गैस को कर रही हूँ ऑफ और चलते हैं अपने सर्विंग के प्रोसीजर पे। फ्रेंड्स, दाल हांडी बनके तैयार है। इसको अब हम सर्व करते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बटर और जो हमने छौंक बनाया था। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़े से जिंजर के पीसेस। बनके तैयार है हमारी दाल हांडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।